हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब। पिछले हफ्ते संडे के दिन हमने शुरू की थी ये सीरीज काम की बात कौशिक के साथ, और मैं हूँ कौशिक। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लोकल टीवी। उम्मीद है पिछले हफ्ते जो मैंने आधार कार्ड पे आप लोगों को एक वीडियो दी थी वो आपने अच्छे से देखी होगी और अपना आधार कार्ड जो है अपडेट भी कराया होगा। आज मैं एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बारे में आपको बताने आया हूँ जो कि है श्रमिकों के लिए, खास तौर पे वो श्रमिकों के लिए। ये कार्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है जिनका जो है कोई पक्का काम नहीं है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, श्रमिक दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है संगठित क्षेत्र का श्रमिक, मतलब जिसको ESI, PF, क्वार्टर वगैरह सब कुछ मिलता है, और जो है कंपनी अपने सैलरी में से उसके जो है कट करके PF प्रोविडेंट फंड में भिजाती है। वो बाद में जो है उसको जो है उसमें बहुत कैरी फॉरवर्ड करके बहुत सारे पैसे जमा कर लेते हैं, और उसके अलावा में जो है ग्रेच्युटी भी कुछ कंपनीज देती हैं, मतलब सिक्योर लाइफ होती है, अच्छी परमानेंट जॉब हो गई। और असंगठित क्षेत्र के एक श्रमिक होते हैं, मतलब जिनका जो है डेली वेज वर्कर होते हैं, कोई भार ढोने वाला हमाली होता है, कोई जो है सिविल वर्कर होता है, मतलब इंजीनियरिंग का काम वगैरह करते हैं। कुछ लोग जो है रिक्शा चलाते हैं, चाय बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, पकौड़े बनाते हैं। इन लोगों का जो है खुद का काम मतलब कुछ पक्का नहीं है। और ऐसे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब ऐसा सोच के रखा था उनकी विजन के हिसाब से कि इन लोगों को ना एक आईडी कार्ड बना के देंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, कोविड के बाद में हर छोटे व्यापारी को 10-10 हज़ार रुपये का लोन देना था। अब हर कोई जो है खुद को छोटा व्यापारी बताने की होड़ में लगा था ताकि कम रेट पे जो है उन लोगों को लोन मिल जाए। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, नहीं, छोटे व्यापारियों को हम लोग एक आइडेंटी कार्ड बनाने के लिए देंगे, वो दिखा करके वो लोन ले लेंगे। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दैट थिंग ऑल्सो। आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप करते क्या है, इस कार्ड पे आप लोन ले सकते हैं। इस कार्ड का नाम है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड 2021 अगस्त में बनना शुरू हुई थी, और इसको इनकरेज करने के लिए मात्र एक स्टेट उत्तर प्रदेश ने जो है इलेक्शन के टाइम पे 2-2 हज़ार रुपये, मतलब 3 किश्त जो है ई श्रम कार्ड बनाने वालों को दिया था, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था, इन लोगों का डेली वेज वर्करों का बहुत इकोनॉमिक हालत खराब था, तो यूपी में ये चीज़ हुई, बाकी कहीं नहीं हुई। अब ई श्रम कार्ड के अंदर में जो है आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है ये मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, इट इज़ योर ओन आइडेंटिफिकेशन कार्ड कि आप ये काम करते हैं। अगर आपके आसपास में कोई श्रमिक है, आपके दुकान में कोई स्टाफ है, तो आप उन लोगों का भी कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो है आपकी पूरी जानकारी होती है, नाम, पता, फ़ोन नंबर, आपकी फ़ोटो, और साथ में जो है एक लाइन में ये भी लिखा होता है कि आप करते क्या हैं। आप मतलब कारपेंटर है, या आप रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले कुक है, या फिर आप प्राइवेट टीचर है जिनको ESI और PF नहीं मिलती है, होम ट्यूटर है, आप सिविल वर्कर है, या खेत में काम करने वाले, ऐसे कम से कम 250 से 300 ऐसे प्रोफेशंस जो है उसमें लिखे हुए होते हैं। अच्छा, इन प्रोफेशन को मतलब दिखा करके आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप ये काम करते हैं। दूसरी चीज़, जब आपने प्रोफेशन सेलेक्ट किया, मान लीजिए आपने कारपेंटर का काम जो आप करते हैं वो सेलेक्ट किया, अब क्या होता है लेबर मिनिस्ट्री के तरफ से जो है कभी कभी जो है ना मतलब ये आ जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं, आपको जो है वो ढूंढ लेंगे आराम से डेटाबेस में से, हाँ कारपेंटर फलाना है, तो आपको ट्रेनिंग दे देंगे फ्री की, या पेड जो भी हो आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल जाएगी। अभी जैसे एक मैंने करवाया था इससे पहले बाइक मैकेनिक्स का, उन लोगों को जो है ना ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मतलब जो परिवहन हमारा जो विभाग है उनकी तरफ से कुछ ऑफिसर्स आए थे, उन लोगों को बुलाया, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रिपेयर कैसे करते हैं ये उन लोगों को जो है सिखाया गया था, या BS5 इंजन था उसको BS6 इंजन कैसे रिपेयर करते हैं, सारी ये जो ट्रेनिंग्स होती है, अपग्रेडेशन ट्रेनिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है ई श्रम कार्ड के थ्रू काफ़ी ईजी हो जाती है। तो ये आपका दूसरा जो है आपका फायदा इससे हो गया। तीसरा जो है मैंने आपको बताया कि इससे लोन मिल सकता है, तो आप उसके लिए भी, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप शॉपकीपर अपना लिखाते हैं उसमें, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड है आपकी, आप उसमें वो शो करते हैं, तो आप उस पर एग्रीकल्चर टूल्स लेने के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स, लोन ले सकते हैं। इसके अलावा चौथी जो चीज़ हो गई वो ये है कि ई श्रम कार्ड के अंदर में ना आपको जो है बीमा मिल जाता है, मतलब इसमें जो है आपको सुरक्षा बीमा योजना मिलता है।
सुरक्षा बीमा योजना कैसे मिलता है आपको, जो है आप जैसे ही एनरोल करते हैं इसमें जो है आपके बैंक में ना हर साल 12 रुपए वाला जो है बीमा चालू हो जाता है। अगर एक्सीडेंटली आपका कुछ हो गया तो आपको 2 लाख रुपए इसमें जो है मिलेंगे काम के दौरान, अगर आपको कुछ हो गया, ऐसे नेचुरल के प्रॉब्लम में नहीं, काम करते हुए ऑन ड्यूटी अगर कुछ हो गया तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये इस कार्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके एक और पहलू के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगला वीडियो होगा इसी से जुड़ा हुआ, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, उसमें ई श्रम कार्ड बहुत काम आता है। तो आप फटाफट से अपना ई श्रम कार्ड बना लीजिए अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो, या फिर आप कोई अपने काम वाली हो गई या फिर खाना बनाने वाला माली हो गया, आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं तो इन लोगों का भी कार्ड बनवा लीजिए, काफ़ी काम आएगा इन लोगों को। अगर आपके गांव में ऐसे लोग हैं तो उनका भी आप ऐसे बनवा सकते हैं कार्ड, स्पेशली अगर आप कोमरम भीम ज़िले के आसपास में हैं या मंचिर्याल ज़िले में हैं या चंद्रपुर ज़िले में हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको नीचे में जो है फ़ोन नंबर दिखाई देगा, मैं फिर से आपको फ़ोन नंबर पढ़ के बता देता हूँ, 7386476917 ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस पर कॉल कीजिए। आपको अगर बल्क में ऐसे बनवाना है तो कैसे बनवाते हैं ये पूरा पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है देख लीजिए। पहला तो है आपका अपडेटेड आधार कार्ड, आपको अपडेटेड चाहिए आधार कार्ड, उसमें आपका फ़ोन नंबर, फुल डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी इसका एक जुगाड़ है, वो मैं आपको मतलब पूरा आप फोन करेंगे तो डिटेल करके बता दूंगा। लेकिन आपका आधार कार्ड अगर आपने पूरा करवा लिया है अपडेट तो फिर इज ओके, वो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ आपका जो है बैंक खाता, मतलब आपके बैंक खाते में जो है मतलब कुछ अगर गवर्नमेंट का कुछ पैसा आना वाना रहा तो उसके अंदर आ जाएगा, आपके बैंक के डिटेल्स उसमें गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएंगे कि आप कौन सा बैंक कैसे यूज़ करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका फ़ोन और फ़ोन लेके आना है। अगर आप कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आपका फ़ोन एक चाहिए होगा, क्योंकि फ़ोन नंबर कार्ड में जो है लिखा हुआ रहता है। तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। काफ़ी इजी बनता है ये कार्ड, बहुत इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई भी बना सकते हैं। हाँ एक चीज़ याद रखिए, स्टूडेंट्स ना बनाए ये कार्ड, क्योंकि आपको दिखाना है कि आप क्या काम कर रहे हो, इसमें स्टूडेंट्स का ऑप्शन नहीं है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, वो कोई काम नहीं कर रहे होते। तो स्टूडेंट्स कृपया ना बनाएं ये कार्ड, इसमें जो है आप लोगों को परेशानी हो सकती है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि इस कार्ड में UAN नंबर बन के आता है। ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आपको समझ आ जाएगी, UAN नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये एक्चुअली प्रोविडेंट फंड वाला अकाउंट होता है, इसमें आप चाहे तो खुद से पैसे भी डाल सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर आप कभी संगठित क्षेत्र में आपकी नौकरी लग गई, समझिए आप अभी छोटे काम में हैं लेकिन कभी आपको बड़ा नौकरी मिली, अपना कार्ड दे दीजिए, आपके उसी UAN नंबर को कंटिन्यू करके उसमें कंपनी आपका PF डाला करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उम्मीद है आप जो है इस हफ्ते में मुझे कॉल करके, अपने आस पड़ोस में कोई अगर है तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी, आप उन लोगों को ये वीडियो दिखा भी सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि कैसे ये करना है। प्रधानमंत्री का सपना है कि हर किसी मजदूर को, किसान को जो है उनकी एक पहचान मिले, और इस पहचान के लिए इस ई श्रम कार्ड को जो है बनाया गया है। तो आज के वीडियो में व्यूवर्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में, काफ़ी अच्छी योजना है वो भी, और इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी जो है अगले वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से समझा दूंगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए, मतलब आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हो गए या करियर गाइडेंस हो गया या पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई जानकारी या सोशल कोई प्रॉब्लम, इस सब को आप फेस कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगले वीडियो में मतलब मानधन योजना के बाद वाले वीडियो में मैं जो है उसको कंसिडर करूँगा, आगे चल के आपके क्वेश्चंस को भी मैं आंसर करूँगा। तो आज के लिए व्यूवर्स इतना ही, मिलते हैं अगले संडे को, हर संडे के दिन ये एपिसोड आता है, आपका खुद का बेनिफिशियल एपिसोड है ये, इसमें जो है आपको खुद के प्रॉफिट की बात की जाएगी, आपके जो है कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे उनका समाधान जो है इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।